मैं सुनील समीर आप सभी का चौपाल समाज के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की 111वीं जयंती बाबू लंगट सिंह कॉलेज के प्रांगण में और समारोह के अध्यक्ष भाई चांसलर साहेब, डॉक्टर आर के मंडल जी, यहाँ के प्रिंसिपल साहेब ओम प्रकाश राय जी और अरविंद बाबू, सब विद्वान जन, डॉक्टर पंकज जी, संजय पंकज जी, सतीश बाबू, श्रीमती पूनम सिन्हा जी, रेड्डी रमन जी के तो सुनबे कलियन, सभी विद्वत जनों, रामधारी सिंह दिनकर न्यास के लिए जीवन समर्पित श्री नीरज कुमार जी, सभी विद्वत जनों, सभी बहनों और भाइयों, बड़ा भारी सौभाग्यशाली हूं मैं आज दिनकर जयंती के दिन बाबू लंगट सिंह कॉलेज में मुझे भाग लेने का मौका मिला। झगड़ा लड़ाई करके नीरज जी ने कहा नहीं आना ही पड़ेगा, दिल्ली में था, दिल्ली से पलामू, पलामू से यहाँ सीधे आ रहा हूँ, देर हो गई है, क्षमा कीजिएगा। विद्वत जनों का भाषण कुछ सुन सका, ज्यादा नहीं सुना, इसके लिए मुझे अफसोस है। विद्वान लोगों के बीच में भाषण तो प्रेम अवतार मुकुट बाबू ने, मटुक बाबू, प्यार और प्रेम के खिस्सा कहते हैं तो हम लोग तो अभी तक सुने हैं। दुनिया मैं प्यासा भृंग जन्म भर का, दुनिया का प्यार रसम भर का। प्यार क्या चीज है नहीं बुझाता है, रसम से ज्यादा कुछ है नहीं। और जहां साहित्यविद साहित्य के सभी लोग जुटे हो तो शुरू से हम लोगों ने सुखा सुना, साहित्यस्य भावम साहित्यम, साहित्य समाज के दर्पण है और ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य है, यही हम लोगों ने अभी तक सीखा। लेकिन यह भी आज मैं देख रहा हूँ कि साहित्य केवल कल्पना की उड़ान है, कि फैंटास्टिक फ्लाइट इज ए लिटरेचर, कि साहित्य ब्रह्मानंद सहोदर है। लेकिन साहित्य की महिमा यह है कि जब राजनीति लड़खड़ाती है तो साहित्यकार ही सहारा देते। पंडित जवाहरलाल नेहरू लाल किला पर झंडा फहराने के वक्त तलबला गए थे, पीछे से राष्ट्रकवि दिनकर जी ने सहारा दिया, उन्होंने धन्यवाद किया। दिनकर जी ने कहा जब राजनीति लड़खड़ाएगी तो साहित्य ही उसको सहारा देगा। यहीं से मैं शुरू करता हूं। बहुत बहुत पक्ष है राष्ट्रीय चेतना के कवि, क्रांति के कवि, मार्क्स से गांधी तक सब लोग का, लेकिन दिनकर जी ने कहा था इस देश में एक व्यक्ति महान है, डॉक्टर लोहिया महान है, एक ही व्यक्ति तो रहा सीधा सीनातान है। डॉक्टर लोहिया के संबंध में राष्ट्रकवि की एक पंक्तियां, तो इसलिए राष्ट्रकवि को हम लोग जानते हैं, समझते हैं, सीखना चाहते हैं। ये बराबर रश्मि रथी का पाठ और मंचन कविता का प्रथम प्रथम जिंदगी में हम यही कविता का मंचन कहूं नहीं देखा था, यही रश्मि रथी का जब देखते रात बीत जाती, बैठे रहते, हटने का मन नहीं करता। लेकिन रश्मि रथी की पंक्तियां आम लोगों की जुबान पर है, आम लोग इसकी चर्चा करते, जिक्र करते, जहां तहां की पंक्तियां हम लोग को याद रहती, कुछ भूल जाते। ज्यादातर साहित्यकार लोगों का काम है विश्लेषण करने का, देखने का, उसको समझने का, तो हम लोग मोटा मोटी शांति नहीं तब तक, सुख भाग न नर का समूह, नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को कम हो, इससे बढ़कर क्या है। मार्क्सवाद में इससे बढ़कर कुछ है नहीं, अभी यही है कि जब तक सामाजिक आर्थिक गैर बराबरी के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है, इस समानता जब तक नहीं आएगी लड़ाई जारी रहेगी, यही कवि की भावना है कि शांति नहीं तब तक, सुख भाग न नर का समूह, नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को कम हो। मुजफ्फरपुर की भूमि सांस्कृतिक भूमि है, रवि बाबू से लेकर रविन्द्रनाथ टैगोर, पुराने जमाने में बाबू अयोध्या प्रसाद खत्री, खड़ी हिंदी में कविता की क्षमता है कि नहीं, भारतेंदु हरिचंद से लोहा लेने का काम किया, इतिहास है यहाँ का मुजफ्फरपुर का।
देवकी नंदन खत्री चंद्रकांता उपन्यास की रचना, शरद चंद्र ने यहाँ उपन्यास की रचना की, मुजफ्फरपुर सांस्कृतिक धरोहर यहाँ बाबू लंगर सिंह कॉलेज में आचार्य कृपलानी और एक से एक विद्वान ने राष्ट्रकवि दिनकर इस कॉलेज को और हम लोग को यह गौरव प्राप्त है कि राष्ट्रकवि दिनकर भी यहाँ पढ़ाई लिखाई का काम कर चुके हैं। नहीं, बेसन से मैं जीता था, वहां पर भी उड़ा स्टार रह करके उन्होंने हुंकार की रचना की थी। सीतामढ़ी में भी रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत थे। ये सभी कण कण में उनका इतिहास छिपा हुआ। तो इसलिए रश्मि रथी के आज अच्छी बात सुनाए, 6:30 बजे आज सांस्कृतिक कार्यक्रम में रश्मि रथी का मंचन होगा। हिंदुस्तान के मशहूर कलाकार मुजीब खान आए हुए हैं, उनका सब प्रदर्शन होगा। जरूर सब लोग को न्योता है उसमें आकर के शामिल होने का। अभी तक बातचीत और बहस की बात सुनिएगा, लेकिन उस समय में आइएगा तो साक्षात देखिएगा कि राजकवि दिनकर ने क्या कल्पना की थी। उसमें केवल महाभारत की कहानी नहीं, रंग बिरंग की चीजें उसमें, जो अभी समाज ग्रस्त है। जय हो जग में जले जहां भी नमन पुनीत अनल को, जिस नर में भी बसे हमारा नमन तेज को बल। ये है शुरुआत रश्मि रथी। उसमें ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, जय धर्म जिसमें हो वही पूज्य प्राणी। जाति जाति का अभी बोलबाला, जाति के बिना कुछ हो नहीं रहा, लेकिन राजकवि दिनकर ने जाति बात पर जो आक्रमण किया और संदेश दिया लोगों को, इसलिए राजकवि दिनकर को हम राष्ट्रीय चेतना ही नहीं, क्रांति के और युवाओं के लिए प्रेरक कवि के रूप में हम उनको याद करते हैं। बराबर जब मौका आता है तब, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, ये सभी पंक्तियां। और राजनीति के लिए हम लोग को तो संदेश मिलता, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, जिसने न कभी नव धर्म पर नेता कौन हुआ, या तो लिख जस क्रेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया विघ्नों में रह कर नाम किया। सबसे मिलता कि सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, कांटों में राह बनाते हैं कष्टों को गले लगाते हैं। नींद कहां उनकी आंखों में जो धुन के मतवाले हैं, गति की तृषा और बढ़ती जब पड़ते पग में छाले हैं। जब कठिनाइयां सामने आती है उससे मुकाबला का संदेश इस पंक्तियों से हम लोग को उज्जवलित करते। जब कठिन घड़ी आती है उस समय की कि सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, कांटों में राह बनाते हैं कष्टों को गले लगाते हैं। तो सचमुच विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, जब कठिनाई आती है तो कायर लोग डाल जाए फट जाए मैदान से, लेकिन राजकवि दिनकर की एक कवि पंक्तियों से हम लोग उत्प्रेरित होते हैं, प्रेरणा हासिल करते हैं, उज्जान्वित होते हैं। तो इसलिए यही साहित्य का काम। और यहाँ पर तो राजकवि दिनकर जी, यहाँ बेनीपुरी जी, राम वृक्ष बेनीपुरी जी की रचना, जो जादू लोग कलाकार लोग कहते हैं उनके कलम में जादू की थी, और बाबू जयप्रकाश नारायण, ये तीनों महापुरुषों को जब मैं याद करता हूँ। बाबू जयप्रकाश नारायण स्वस्थ हालत में भिलौर में थे, राष्ट्रकवि दिनकर जी ने कहा से जो कहता हमारी उम्र लग जाए और उसके बाद उनका निधन हो जाता है, हम लोग वंचित हो जाते हैं राष्ट्रकवि से। और बाबू जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति का ध्वज लेकर आगे बढ़ते हैं कि कहते हैं उसे जयप्रकाश जो मरण से कभी नहीं डरता है, ये पंक्तियां हम लोग को प्रेरणा देती है। तो इसलिए इसमें आपको लगता है कि मुजफ्फरपुर संस्कृति की भूमि है, लेकिन वर्तमान काल में तो डॉक्टर संजय पंकज कभी कभी आचार्य जी, जानकी वल्लभ शास्त्री जी का बराबर कुछ न कुछ हम लोग को साहित्य का रस मिलता रहता है कभी कभी, बराबर साहित्यिक चेतना जगाने का काम यहाँ पर होती रहती है। लेकिन नीरज जी का प्रस्ताव, प्रिंसिपल साहेब ऐलान करिए, हर साल राष्ट्रकवि दिनकर की जयंती मनाई जाएगी। अब भाई चांसलर साहब आप भी इतिहास बनाकर जाइए, राष्ट्रकवि दिनकर के साथ की कौन चेयर होता यूनिवर्सिटी में, आज ऐलान करिए चेयर का। हम लोग
भारत सरकार से लड़ाई छाने ने राष्ट्रकवि दिनकर को राष्ट्रीय चेतना के कवि थे, प्रेरणा नव युवकों के लिए प्रेरणा के स्रोत थे, इसलिए भारत रत्न की उपाधि राष्ट्रकवि दिनकर को मिले इसके लिए लड़ेंगे हम लोग, इसके चलते जे कुछ हो लड़ाई जारी कर दिया जाए, भारत सरकार को हिला कर रखा जाए, राज्य सरकार हो या भाषण का सुरेश शर्मा चले गए बूझे के भाषण में, होश करो दिल्ली के देवो होश करो, अब न मोहिनी यह तेरी चलने वाली है, ये सुनने के भय से खसक हमारा भाषण सुनकर जाइए तो अच्छा होगा। तो इसलिए अभी के समय में कवि का साहित्यकार का जो विद्वान जन है उनकी रोशनी हम लोग चाहते हैं, से मार्गदर्शन करें हम लोग आगे बढ़ें, और नहीं तो राजकवि दिनकर का कलम मारून की जय बोल, जला अस्थियां बारी बारी छिटनाई छिटकाई जिन्ने चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर बिना लिए गर्दन गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। फिर अंधा चका चौध का मारा क्या जाने इतिहास बेचारा, साखी है उनकी महिमा का चंद्र भूगोल खगोल, कलम आज उनकी जय बोल। आई नाम रखे नमन उन्हें मेरा सतबा, नमन उन्हें मेरा सतवार, सूख रही है बोटी बोटी मिलती नहीं घास की रोटी, गढ़ते हैं इतिहास देश का सह कठिन क्षुधा की मार, नमन उन्हें मेरा सतवार। ये सभी जो जिन लोगों ने देश के लिए समर्पण दिया कुर्बानी दी उनको कलम याद कर रही है और नमन किया जा रहा है। ये उसी कभी नाम रखे हम उसका अच्छा किया है कि नमन उन्हें मेरा सतवार नाम रखा उसका राष्ट्रकवि जी की दिनकर की पंक्तियों के संबंध में। तो इसलिए बड़ा अच्छा हुआ है हमको तो बुझाता गया इतने दिनों में लंगर सिंह कॉलेज से पढ़ने का यहाँ पढ़ाने का इसी विश्वविद्यालय में सुअवसर प्राप्त हुआ, लेकिन हमको हो जो दिनकर जी के जयंती काहे न लोग मनाता है यहाँ, जो कैसे लोग भुला गए हैं, लेकिन ये शुरुआत अच्छी हो गई, मूर्तियों की स्थापना हो गई। अच्छा आदमकद मूर्ति की स्थापना देव कहते हैं कि चित्र से क्या होगा, चित्र से यादगारी होती रहेगी, भुलाएगा नहीं, अभी तक लोग भुला गए थे, तावलो नशानी अब ना नशाई हो, अब तक भुला गए से भुला गए, आगे तो ख्याल किया जाए कि राष्ट्रकवि दिनकर की मूर्ति स्थापित हो, चेयर की स्थापना हो, बहस चलाई जाए, उस पर चर्चा हो, साहित्यिक गोष्ठियां होती रहे सालों भर, उसमें जयंती के अवसर पर पुण्य तिथि के अवसर पर दोनों की मनाई जाए, या चेयर का घोषणा करेंगे, हमको भरोसा है विश्वास है, और भारत रत्न भी बुझाता है जो साल लगते लगते भारत सरकार को और राज्य सरकार सबके हिला कर रख देना है कि राष्ट्रकवि दिनकर को उचित व्यक्तित्व और उनका कर्तित्व तो सबके देखते हुए, नहीं तो परशुराम की प्रतीक्षा, नेहरू के कारण ही सारा बता। इसलिए माने पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए जब उनका त्याग तपस्या या काम सब देखा तो लोक देवता नेहरू, लोक देव, और जब देश में चुनौतियां आई और सब देश को एकजुट करने का था तो भी परशुराम की प्रतीक्षा में ये सब पंक्तियां हैं, उससे हम लोगों को प्रेरणा मिलती है, और नहीं तो हम लोग तो रात दिन दुखी लोगों के बीच में रहते रहते, बहुत दावा किया जाता इंडिया साइनिंग हो गया, लेकिन अभी भी गांव में बूढ़ा बूढ़ी पेंशन हमारा ना देलक, नाम काट दे, अनाज ना मिलैया, ये सभी कठिनाइयां गांव में जाते तो देखते, बुरा हाल है गरीबों का किसानों का बुरा हाल है, लेकिन कवियों की कविताओं से हम लोग को चेतना मिलती है कि दिन गए बरस गए यातना गई नहीं, रोटियां गरीब की प्रार्थना बनी रही, श्याम की बंसी बजी राम का धनुष चढ़ा, बुद्ध का भी ज्ञान बढ़ा, निर्धनता गई नहीं। कवि महाकवि विद्यापति वहीं पर कहते हैं कखन हरब दुख मोर हे भोलानाथ, कखन हरब दुख मोर, दुख ही जन्म भेल दुख ही जियाओल, सुख सप नहु नहीं भेल हे दीनानाथ,
भोलानाथ कखन हरब दुख में, कब कष्ट का हरण होगा, दुख कब जाएगा, कब विपत्ति जाएगी। नहीं तो भगवान बुद्ध राजकुमार थे, दुख क्यों होता है, दुख का निवारण क्या है। राजा को, वो साधु को देख रहे हैं, मृतक को देख रहे हैं, बूढ़ा आदमी को देख रहे हैं, बीमार को देख रहे हैं। देखने से जिज्ञासा बढ़ती है, दुख का क्या कारण है और दुख का निवारण क्या है। इसलिए महल को छोड़ चले और ज्ञान हासिल करने के लिए। तो सब कुछ तो हुआ, लेकिन गरीबी बनी हुई है, गैर बराबरी बेरोजगारी बनी हुई है, बेरोजगारी बनी हुई नहीं है, बढ़ रही है। क्या इसका कैसे संकट दूर होगा, कैसे हरण होगा। तो कवि लोग अपना आराधना करते कि तुलसीदास जी ने कहा, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, दरिद्रता से बढ़कर के कोई तकलीफ दूसरी नहीं है। ये कब हरण होगा, दरिद्रता और गरीबी कब जाएगी, गैर बराबरी कब मिटेगी। सभी कवि साहित्यकारों से हम लोग यही प्रेरणा हासिल करते हैं। तो इसलिए राजनीति वाले तो हम लोग रात दिन कल ही झगड़ा में पड़े हुए हैं। राजनीति माने बुराई से लड़ना, धर्म माने अच्छाई करना। अच्छा करने का काम धर्म का और बुराई से लड़ने का काम राजनीति का है और साहित्य का। सब लोग का काम सहितस्य भावम, सबके सहित हो, अच्छा हो, इसके लिए सोचने का, मार्गदर्शन का काम साहित्यकारों का है। और उसी में कलम का की महत्ता है। नहीं तो पुराने जमाने में आप बादशाह अकबर बुलाते कवि को, मोको कहा सिकरी से काम, आबत जात पनहिया टूट जाए विसर जाए हरि नाम, मोको कहा सिकरी से काम। बादशाह के यहां से न्योता है, करे नहीं नहीं, आने जाने से जूता खिया जाएगा, हरि नाम भी विसर जाएंगे। सिकरी राजधानी थी उस समय में, सम्राट अकबर तुलसी रहीम के मार्फत तुलसीदास जी ने कवि अकबर बादशाह ने इच्छा व्यक्त की जे तुलसीदास जी से मुलाकात करे। तुलसीदास जी लिखते हैं, हम तो चाकर राम के पटो लिखो दरबार, तुलसी अब क्या होएंगे नरके मनसबदार। ये तुलसीदास जी का इस सब कवि का जो आत्मस्वाभिमान है कि उसके चलते साहित्य को लोगों की को का प्रेरणा स्रोत बने, साहित्य से सद्भाव ना जगे, एकता हो और देश प्रदेश आगे कैसे तरक्की करे, दुनिया में कैसे विश्व शांति की स्थापना हो, ये कवि की चेतना और साहित्यकारों से हम लोग सीखते हैं, उस पर चलने का प्रयत्न करते हैं। विद्वानों के बीच में ज्यादा बोलना ठीक नहीं है, विद्वान लोग को छोड़ देते हैं, बहस काट छाट ये सब कि मेरा धन है स्वाधीन कलम, मेरा धन है स्वाधीन कलम, राजा सिंहासन पर बैठा है सब ताजों पर आसीन करम, मेला मेरा धन है स्वाधीन कलम, लिखता हूँ अपनी मर्जी से, बचता हूँ कैंची दर्जी से, आदत न रही मुझे लिखने की निंदा बंदन खुद गर्जी से, कोई छेड़े तो तन जाती बन जाती है संगीन कलम, मेरा धन है स्वाधीन कलम। तो इसलिए कलम की जो महत्ता है, साहित्यकारों की जो महत्ता है, पुराने जमाने से आज तक, उनका स्वाभिमान की रक्षा हो, उनका मार्गदर्शन पर लोग चले और देश प्रदेश आगे बढ़े, तरक्की करे और जो वेदना है समाज की वो वेदना खत्म हो जाए। अन्यतम मोह वियोगी होगा पहला कवि, आंख से निकला होगा गान, आंसू से चुप निकल कर आंसू से वही कविता होगी अंजाम। मतलब वेदना से लड़ने की लड़ाई सिखाने का काम कवि लोग का है, और सिखाने का काम करिए। हम लोग तो लड़ना भर मेरा काम रहा, अब जनता का संग्राम रहा, देखें इस भारत में कौन बड़ा वीर बलिदानी है, किसके धमनी में खून, किसके धमनी में पानी है, राष्ट्र कवि दिनकर अमर रहे।